अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है और हमने उसको समझा था थ्रू अ रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले देखते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास दो किस्म के रिएक्शन होते हैं। एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे ए और बी रिएक्ट करते हैं, हमें सी और डी देते हैं और सी और डी फिर से रिएक्ट करके हमें ए और बी देते हैं, इसलिए ये हमारे पास हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? वो रिएक्शन जो प्रोसीड करे फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट। इट मींस कि यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्ट्स करते हैं और हमें देता है प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब ए और बी मिलके हमें सी और डी देंगे, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स जो हमारे पास होता है वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे ए और बी रिएक्टेंट्स है, ये हमें देते हैं सी एंड डी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अब स्टूडेंट्स, इसका अगर हम अपोजिट ले ले, जब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट बना ले, तो इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे जब सी और डी रिएक्शन करते हैं और हमें ए और बी देते हैं, इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट करते हैं और हमें रिएक्टेंट्स देते हैं। अब स्टूडेंट्स, इनका जो दूसरा करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? दूसरा करेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे ये जो है ये प्रोसीड करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ प्रोसीड करता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ प्रोसीड करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीसरा और चौथा जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी थ्रू हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये पॉइंट जो है इनिशियली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये इनिशियली फास्ट होता है, इसका जो रेट है, इसका जो स्पीड है, ये ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखें, इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते। जब हम ए और बी को मिलाते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इनिशियली फास्ट होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो स्लो होता है, वो होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है तो क्या रिएक्ट करके हमें रिएक्टेंट है? यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रोडक्ट में हमारे पास कुछ नहीं है इनिशियली। तो इट मीन्स कि रिवर्स रिएक्शन इनिशियली जीरो होता है, इसका जो स्पीड है या रेट है वो इनिशियली जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियली फास्ट होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है ये इनिशियली स्लो होता है, इसका जो रेट है वो स्लो होता है। अब स्टूडेंट्स, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ए और बी रिएक्ट करेंगे, सी और डी हमें देंगे, फिर से सी और डी रिएक्ट करेंगे, ए और बी देंगे। तो इसका मतलब ये है, ये रिएक्टेंट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, जबकि सी और डी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होते जाएंगे। तो यहां से इसका जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, इसका स्पीड या इसका रेट ज्यादा होता जाएगा, जबकि इसका रेट
कम होता जाएगा। इट मींस कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इनिशियली फास्ट होता है और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता है इसका स्पीड। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेस। फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है या स्पीड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है या रेट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ। स्टूडेंट्स यहां पे वाई एक्सिस पे मैंने लिया हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि एक्स एक्सिस पे यहां पे मैंने लिया हुआ है टाइम। स्टूडेंट्स इनिशियली क्या होता है, यहां पे हमने लिख लिया कि इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये फास्ट होता है और फिर हमारे पास ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड जो है, ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसका स्पीड ज्यादा है, ये हमारे पास इसका स्पीड है। अब स्टूडेंट्स इनिशियली यहां पे अगर आप रिवर्स रिएक्शन की बात करते हैं तो ये स्लो होता है, बल्कि बिल्कुल जीरो होता है, क्योंकि हमारे पास इनिशियली प्रोडक्ट होते ही नहीं। तो रिवर्स डायरेक्शन के रिवर्स रिएक्शन कैसा होगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे इसलिए हम लिखते हैं कि जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट या इसका स्पीड जो है इनिशियली जीरो है। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप देखें रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली डिक्रीजेस, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इनिशियली था, अब क्या होगा, ये ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा। इसी तरह ये जो है रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो यहां पे ये जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, तब तक इंक्रीज होगा जब तक ये इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, इक्विलिब्रियम होता क्या है, जब दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का जब रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाए तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। फिर यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा इनकी रेट में या इनकी स्पीड में। तो स्टूडेंट्स यहां पे ये इंक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। अब यहां पे ये इक्वल हो गए, इट मींस ये हमारे पास वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब अगर हम टाइम को इंक्रीज करें, टाइम गुजरने के साथ साथ यहां पे इसका जो स्पीड है ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसका जो स्पीड है ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि रिएक्शन जो है अब इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में रिएक्शन का जो रेट है इन बोथ डायरेक्शन वो कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे ये हमारे पास दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन हो गया इट इक्विलिब्रियम। यहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन भी ये रेट है और रिवर्स रिएक्शन का भी ये रेट है, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे इन दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन है। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।